मैं सभी भंडारा के रहीवासियों को यही आह्वान करूंगा कि जिन लोगों का पैसे का नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और अब उनको पैसा नुकसान हुआ है, वो लोग भंडारा पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट दे और उनको इस ऐप का किसने रेफरल दिया, किसने इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कितना पैसा लगाया और उनको इस गुने के बारे में, आरोपियों के बारे में जो भी जानकारी है अपने बयान में आप लोग दीजिए। आप जब अपना कितना पैसे का नुकसान हुआ है वो जानकारी देंगे तभी उसको रिकवरी किया जा सकेगा और MPID एक्ट के अंतर्गत वो जो पीड़ित है उनको वो पैसा वापस किया जा सकेगा। अग्रवाल कंपनी के कारण नागरिकों को हो रही असुविधाएं। रोड सुचारू रूप से न होने के कारण घंटों रहता है बंद। अग्रवाल कंपनी की सुरक्षा के नाम पर उड़ रही है धजियां। नहीं थम रहा है दुर्घटनाओं का सिलसिला। गडकरी साहब क्या इस कंपनी पर करेंगे कोई कार्रवाई? राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर ग्राम मुंडीपार से जामी फाटा तक उड़ान पुल के निर्माण कार्य में निर्माणकर्ता अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन द्वारा अनेक अनियमितता बरती जा रही है। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की दुर्लक्षित नीतियों के कारण निर्माणकर्ता अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा यातायात एवं निर्माण कार्य में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन के मनमानी कार्य प्रणाली तथा अनियमितताओं की अनेक शिकायतें संबंधित विभाग से किए जाने की जानकारी है, लेकिन बड़ी कंपनी होने से कार्रवाई नहीं किए जाने की चर्चा संबंधित विभाग के अधिकारियों में है। यह क्षेत्र जंगल व्याप्त है, जंगली जनावर महामार्ग पर विचरण करते हैं, इनके लिए सुरक्षा उपाय नहीं होने से वन्य जीवों का जीवन संकट में है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने का प्रस्ताव वन अधिनियम के कारण केंद्रीय पर्यावरण मंजूरी के लिए कई वर्षों से लंबित था। केंद्रीय राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से 700 मीटर उड़ान पुल के साथ 4 लेन महामार्ग को मंजूरी प्रदान की गई तथा महामार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि निविदा में मंजूर प्रस्तावित निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग एवं पाउडर प्लांट से निकलने वाली वेस्ट डस्ट का इस्तेमाल निर्माण कार्य में किए जाने से उड़ान पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महामार्ग पर भारी यातायात के कारण यह डस्ट सड़क पर उड़ रही है, धूल के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। कंपनी प्रबंधन द्वारा निर्माण कार्य से लगकर पर्यायी व्यवस्था के रूप में सर्विस रोड नियमानुसार नहीं बनाया गया है। कारणवश राष्ट्रीय महामार्ग से आवागमन हो रहा है, भारी यातायात प्रभावित हो रही है, आए दिन लंबी वाहनों की कतारें, साथ ही जाम लगना आम बात हो गई है। सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से वाहन चालकों को छोटी मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किलों से डबल वाहन निकलते हैं, मोटरसाइकिल चालक जान हथेली पर रख कर आवागमन कर रहे हैं, वाहन चालकों को वाहन चलाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। निर्माण कार्य के कारण सर्विस रोड के किनारे कमजोर हो गए हैं। सर्विस रोड के गड्ढों को बेहतरीन ढंग से भर दिया जाता है। गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही चूरी के कारण दुपहिया वाहन गिरकर दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। गड्ढों में केवल चूरा डाला जाता है और वह एक दिन के भीतर ही गड्ढे से बाहर आ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंबई से कलकत्ता तक प्रतिदिन हजारों वाहन चलते हैं। इन वाहनों से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन वाहन चालकों के लिए सड़क जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपेक्षा की जा रही है। नागरिकों ने मांग की है कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण संबंधित निर्माणकर्ता अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन को वन्य जीवों की सुरक्षा और यातायात के लिए स्थायी सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दे।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।